दोस्तों इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दे और ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्याज, आलू, मटर, टमाटर, गोभी, बैंगन, भिंडी, पालक, मेथी, सोना चांदी, मोबाइल रिचार्ज हुए सस्ते। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आपको एक कमेंट करनी है, उसमें लिखना है आपके ज़िले में प्याज कितने रुपए किलो है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विदेशी प्याज ने पोछे लोगों के आंसू, यहाँ मिल रहा सबसे सस्ता। तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान से आए प्याज ने थोड़ी सी राहत दी है। कुछ दिन पहले तक अच्छी किस्म के प्याज अनियन रेट करीब 150 रुपये किलो पहुँच गया। अब विदेशी प्याज के आने के बाद प्याज के तेवर ढीले पड़ गए हैं। हालांकि अब भी दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में प्याज का भाव 100 से 150 रुपये किलो है। अगर उपभोक्ता मामले खाद और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट की बात करें तो 22 दिसंबर 2019 को सबसे सस्ता प्याज नासिक में बिक रहा था, तो सबसे महंगा ईटानगर में। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य निगरानी कक्ष के मुताबिक चंडीगढ़, हिसार, गुड़गांव में खुदरा बाजार में जहां प्याज 100 रुपये से नीचे था, वहीं करनाल, पंचकुला, मंडी, लुधियाना, भटिंडा में 100 रुपये के ऊपर। जाने किस शहर में कितना है आलू, प्याज और टमाटर के रेट। गौरतलब है कि देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज आयात करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज आयात करने का फैसला लिया है, जिसमें अब तक कुल 42,500 टन प्याज आयात के सौदे हो चुके हैं और इसमें से 12,000 टन प्याज 31 दिसंबर तक देश में आ जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि MMTC ने तुर्की से 12,500 टन प्याज आयात का नया अनुबंध किया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।